गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री देवेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी हार्दिक स्वागत। आज क्लास आठवीं के विज्ञान विषय का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट पर आधारित तीन वीडियो रिलीज हो चुके हैं। आज हम चौथे वीडियो में देखेंगे खाद एवं उर्वरक माध्यमिक क्यों देते हैं, तो ये खेती करने के स्टेप थे कैसे करने के सर पद्धति हैं, जिसमें चौथा स्टेप आपके आ चला वो क्या है, खाद एवं उर्वरक देना। कौन सा है, खाद एवं उर्वरक देना। पहले मिट्टी तैयार करना था, दूसरा क्या था, बोई करना, तीसरा ये स्टेप था, सॉरी तीसरा था आपके खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना किस पर आधारित, थोड़ा बहुत मैंने आपको कल डिस्कस भी बताया था। खाद एवं उर्वरक अपन मृदा में क्यों मिलाते हैं, क्योंकि पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो, उसके लिए अपन पोषक तत्व के रूप में क्या मिलाते हैं, खाद्य उर्वरक मिलाते हैं। और खाद्य उर्वरक के अंतर्गत आपने देखा था खाद होती है वो जीव जंतु का पेड़ पौधों के जीवाश्म पदार्थ से बनाई जाती है, जबकि उर्वरक होते हैं वो फैक्ट्रियों के माध्यम से जनरेट किए जाते थे। उर्वरक कोई भी पोषक तत्व की मात्रा तो बढ़ाते हैं, परंतु अत्यधिक पोषक तत्व की मात्रा होने से मृदा में कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस पर अलग भी अपने कल बात की थी। जबकि खाद होता है उसमें पोषक तत्व कम होते हैं, परंतु वो मृदा में लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं तथा मृदा की गुणवत्ता को सुधारने में अपनी भूमिका निभाते हैं। किसमें, मृदा की गुणवत्ता को सुधारने में खाद काम करता है, जबकि उर्वरक मृदा की सुधारता नहीं, उसको लंबे समय तक यूज किया तो मृदा क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाती है। तब उर्वरक एवं खाद पर आधारित अपने काफ़ी डिस्कस किया था। आज अपन खाद एवं उर्वरक पर आधारित अंतर देखेंगे, कब देते हैं क्या नहीं, तो उसको भी आपने देखा था। खाद या उर्वरक एक तो बुआई से पहले भी दिया जा सकता है और बुआई करने के बाद में भी खाद एवं उर्वरक फसल में मिलाई जा सकती है। अब इस पर आधारित दोनों में अंतर क्या है, फिर बाद में खाद के क्या लाभ होते हैं, और फिर अगला बिंदु आपके आएगा अच्छे सही, उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए आपकी हेडिंग है आपके खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है, उसको देखिए। आप जानते हो खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या होता है, क्या लिखना चाहता है, तो अपन देखते हैं कि खाद होता है वो एक कार्बनिक पदार्थ है, अर्थात प्रकृति में ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाला प्राकृतिक पदार्थ। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो जीवाश्म अपन कह सकते हैं, या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसमें क्या होती है, अधिक, और ये अकार्बनिक लवण है और कैसे कृत्रिम, कैसे कृत्रिम बनाया जाता है। ये प्रकृति में प्रकृति से निर्मित होगा, जैसे पेड़ पौधे प्रकृति में बनते हैं, ऐसा नहीं अपने हथेली में बना सकते, नॉट पॉसिबल। या गोबर खाद वो पशुओं को भोजन पाचित करने के उपरांत बनने वाला पदार्थ है, अपन डायरेक्ट हवा में तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक पदार्थ है। पदार्थ है जो जीवांश जीवों के अवशेष है और इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ। इसका निर्माण खेतों में किया जाता है, खेतों में इसको निर्मित किया जाता है। खाद को आपने देखा होगा कई समय पहले या अभी भी देखते हो तो कई खेतों में गोबर को कई बड़े बड़े क्या बनाते हैं, डेहरिए बनाते हैं, और कई समय तक उसको पड़ा रहते हैं, फिर बाद में जब उसका पूर्ण अपघटन होता है तो फिर बाद में काले या भूरे रंग में पूरी कनूर हो जाती है, फिर बाद में उस खाद को खेत में डाल दिया जाता है, ताकि उससे फसल के उत्पादन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ये ह्यूमस युक्त होती है, क्या होती है, ह्यूमस युक्त होती है, जबकि इसको फैक्ट्रियों में निर्मित किया जाता है और ह्यूमस रहित होती है, इसमें कोई ह्यूमस व्यूमस नहीं है, नॉर्मली जैसा है वैसे वैसे पदार्थ प्रोडक्ट है। खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, परंतु इसका युक्त है वो गुणवत्ता युक्त होते हैं। आप खाद को डालोगे, एक बार डालने के बाद में उसको लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकते हो और काम आती रहेगी, परंतु फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित उर्वरक उनमें पोषक तत्व अधिक होने के कारण आवश्यकता से अधिक मात्रा में पोषक तत्व उसमें उपस्थित होते हैं, तब वो पोषक तत्व मृदा में क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं, या जीव जंतुओं को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करते हैं, हानि पहुँचाने कार्य करते हैं, या जो आपका फसल उत्पाद बनेगा उसमें
उर्वरकों की मात्रा अधिक होने के कारण खाने पर विष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीवों पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। देखते हैं खाद के उदाहरण में, कल भी मैंने बताया था गोबर खाद, हरी खाद, केंचुआ खाद, ये सारी सारी खाद के उदाहरण है। जबकि उर्वरक में यूरिया, DAP, अमोनियम सल्फेट और पोटास, NKP, DAP का पूरा नाम क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट। DAP का आपको पूरा नाम पूछे तो क्या हो गई, डाई अमोनियम फास्फेट। और NPK का पूरा नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन फास्फोरस व पोटेशियम डायरेक्ट से भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से इनको डायरेक्टली आपने देखा कि खाद्य उर्वरक में अंतर क्या पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपने डिस्कस किया खाद्य उर्वरक में अंतर। अब पढ़ोगे खाद के क्या क्या लाभ हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं खाद के लाभ क्या क्या होते हैं, उसको अपन क्यों खाद को ज़्यादातर प्रायोरिटी क्यों देते हैं कंपेयर टू उर्वरक की तुलना में। देखिए अपन बात करते हैं खाद के क्या क्या लाभ है। तो अपन मोटे तौर पे देखें तो खाद को अपन मादा मिलाने से मादा की जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि आपने देखा होगा घर पे भी कभी कभार गोबर खाद को उठाना और पानी में भिगोना, भिगोने पर पानी को क्या करेंगे, अधिशोषित करेंगे, जल को क्या करेंगे, इसमें ग्रैंड सकेंगे। इसी प्रकार अपन मादा, उसी मादा में अपन क्या मिला लेंगे, गोबर खाद मिलाएंगे तो गोबर लंबे समय तक पानी को धारण करके रखता है, और गोबर लंबे समय तक पानी रखेगा फसल को पानी आसानी से मिलता रहेगा और पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। दिमाग बात रहेगी, जल धारण क्षमता खाद मिलाने से मृदा की जल धारण क्षमता खाद मिलाने से मृदा की वृद्धि होती है। मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। दिमाग बात रहेगी, ठीक। उसके बाद में मिट्टी की संरचना को सुधार, मिट्टी की संरचना में भी क्या होता है सुधार। मान लो किसी प्रकार का उसमें खाद आपने मिला रखा तो मिट्टी क्या होती है, धीरे धीरे बंजर हो जाती है, कठोर हो जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है, कई प्रकार के इफेक्ट उसमें बढ़ जाते हैं। तो आपने खाद समय समय पर मिलाते रहोगे तो मिट्टी में सहजता की संख्या बढ़ जाएगी, एकदम मिट्टी मुलायम टाइप रहेगी, स्पंज के रूप में रहेगी, और उसमें अम्लीयता केमिकल की दृष्टि से भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो उसकी संरचना क्या होगी, सुधरेगी। भौतिक दृष्टि से देखें तो उसकी कणों के आकार, संघनात्मक सुरक्षा, तत्वों की उपस्थिति, तो विभिन्न प्रकार के इसके क्या होते हैं, सुधार होता है। और केमिकल की दृष्टि से अम्लीय और क्षारीय गुणों में क्या होती है, वृद्धि या कमी करने में भी खाद की विशेष भूमिका रहती है। जीवाणु की संख्या बताइए, खाद मिलाने के साथ में मौतों में जीवाणु की संख्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जीवों को एक पोषण मिल जाता है और वो अपघटित खाद को करते रहते खाते रहते हैं, उसके कारण उनका संख्या में ग्रोथ होता है और वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। जितने जीवाणु की संख्या मादा में अधिक होगी तो उतना ही ह्यूमस का निर्माण अधिक होता है और मादा क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। दिमाग बात रहेगी, वायु संचार, खाद मिलाने से खाद को मैंने बताया स्पंज की तरह कार्य करती है, इस कारण खाद मिलाने से उनकी वायु संचार की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आपने चार पॉइंटों को आपने डिस्कस किया और आपने समझा कि मतलब खाद के क्या क्या लाभ होते हैं उसको अध्ययन करने पर आपको समझ में आया। अभी अपन पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, क्लियर हो गया है। चौथा पॉइंट आपके कृषि पद्धति पर आधारित है, वो है सिंचाई। सिंचाई क्या होती है उसको अपन विस्तारपूर्वक से समझ दें। देखिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे मैटर को बढ़ा दें। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, देखिए सिंचाई, सिंचाई का मतलब भी क्या होता है आप सब समझते हो। सिंचाई का मतलब जल सींचना, जल देना। फसल को अपन भिन्न भिन्न अंतराल पर खेत में पानी देते हैं, क्या कहते हैं, सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, विभिन्न अंतराल पर खेत में फसल को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई अपन क्यों करते हैं, क्योंकि जल सभी का आधार है और विशेष करके आप खेत में पौधे या फसल लगाते हो उसमें 80% विशेष भूमिका किसकी रहती है, जल की रहती है। क्यों देखते हो, जल
में जितने भी प्रकार के पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो जल में घुल जाते हैं, और जल में घुलने के कारण वो आसानी से मिल जाते हैं और पौधा अपनी वृद्धि आसानी से करता रहता है। जल समय समय पर पौधे को प्रदान करने से उनकी मृदा में नमी बनी रहती है और पौधे में तापमान बना रहता है, जिसके कारण वो धीरे 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 आराम से ग्रोथ करता है। आपने देखा होगा पौधे को वृद्धि करने के लिए मुख्य तत्वों के रूप में आपने देखा मृदा, जल, ताप एवं वायु, ये घटक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक बताए गए हैं। पादप वृद्धि के लिए मुख्य घटक कौन कौन से हैं तो देखिए, पादप वृद्धि के लिए मुख्य घटक होते हैं, इसमें आप देखोगे या पशुमिलास, जल, वायु एवं मृदा। इसके बिना एक ही घटक मान लो पौधे को नहीं मिल रहा है तो पौधे की अपनी कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या? सही बात है। आपने देखा भी होगा कि ताप की अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं की जाती, आप जानते भी ऐसा नहीं, मतलब एक रूम में खेती बंद करके मतलब यहाँ पे खेत बना लेगा फसल करोगे, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो आप जानते हो कि फसल उत्पादन करने के लिए या पादप वृद्धि के लिए मुख्य रूप से घटक कौन कौन से हैं? तो आपके दिमाग में से प्रकाश आवश्यक है, जल, वायु, मृदा, ये मतलब मुख्य घटक है जो पादप वृद्धि के लिए आवश्यक बताए गए। अब जल ही सभी का जीवन का आधार है तो पौधों को 80% जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तो उनकी वृद्धि आसानी से बनी रहे, जड़ें आसानी से जमीन में जाएगी तो जल्दी वृद्धि करेंगे, और जितने भी प्रकार के डिजोलेबल घटक होते हैं जितने भी उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो वो जल में घुले हुए पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं। अपन देखते हैं विभिन्न अंतराल के बाद में विभिन्न समय पर पौधों को फसल जल देते रहते हैं फसल को, तो इसका भी सिस्टम होता है कि गर्मी में पौधों को जल की अधिक आवश्यकता होती है कंपेयर टू सर्दी की तुलना में। तो आप देखते हो कई बार गर्मियों में जल की आवश्यकता अधिक होने के कारण अपन मान लो जहाँ पे मरुस्थल बेड में बिलोंग करने वाले कई प्रकार के किसान होते हैं वो गर्मी ऋतु में किसी भी प्रकार की फसल को उत्पादन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जल की कमी है, मरुस्थलीय भूमि, और मरुस्थलीय भूमि को जल की अधिक आवश्यकता होती तब वो गर्मी ऋतु में फसल नहीं बोते कंपेयर टू सर्दी ऋतु की तुलना में। सर्दी ऋतु में फसल बोते हैं, क्यों? क्योंकि सर्दी ऋतु में तापमान कम होता है और मृदा में आसानी से जल की मात्रा बनी रहती है और पौधा अधिक वृद्धि करता है, इसलिए अपन सर्दी ऋतु में अधिक सिंचाई करते हैं। और वर्षा ऋतु में तो प्रकृति पे डिपेंडेंट सारा मैटर होता है कि प्रकृति में बारिश होगी तो अपन फसल को तैयार कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। अब देख रहे थे आप जैसे सिंचाई के लिए अलग अलग तकनीकें काम आई, जैसे जैसे विकास होता रहा वैसे वैसे उसका भी समय क्या हो जाता है, सेंज हो जाता है। तो पहले ज़माने में क्या थे, कुएं थे, नलकूप थे, तालाब, झीलें, नदियाँ, बांध, नहरें आदि ये सिस्टम चला कर रहे थे। अभी लेटेस्ट में देखें बांध व झीलें व नदियाँ ये ज़्यादातर काम में आती सिंचाई के लिए। पहले ज़माने में नलकूप, कुएं, बावड़ी ये काम आते थे, जल स्रोत मुख्य स्रोत थे, और इसी से क्या की जाती थी, सिंचाई की जाती थी, तालाब से पहले पानी लेके जाते थे। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो आपको उससे सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन कौन से, तो आपको दिमाग में रहे कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहरें, ये सारे सारे क्या सिंचाई के मुख्य स्रोत। अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या थे और आधुनिक किस प्रकार से खेती की जाती है उसको अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए उससे पहले इस मैटर को मैंने रिवाइज करवाया, पढ़ाया, उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन परंपरागत तरीके और आधुनिक तरीके पर आधारित फसल किस प्रकार से अपन लगाते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इस मैटर को मैं हटा रहा हूँ। देखिए आप देखते हो सिंचाई के परंपरागत क्या तरीके थे और अभी लेटेस्ट में सिंचाई किस प्रकार से की जाती है,
किस प्रकार से वैज्ञानिक दिमाग चलते हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले ज़माने में आप देखते थे पानी की भूमि पर बहुत अत्यधिक मात्रा में पानी उपस्थित था, जिसके कारण पानी को आसानी से पशु एवं मजदूरों द्वारा आराम से पानी को सिंचित किया जा सकता था और पौधों को दे पाते थे। परंतु जैसे जैसे समय चेंज होता है तो धीरे धीरे पानी की क्या होगी, शॉर्टेज होगी। तो पहले आप देखते थे पूरे पूरे खेत में डायरेक्ट पानी डाल देते और फिर बाद में उसमें से सही बीज डाल देते और फिर बाद में बीज अपने आप तैयार हो जाते थे और वो वापस पानी देते हैं, वापस पूरे पूरे खेत को भरते रहते थे। परंतु जैसे जैसे पानी की शॉर्टेज हुई तो फिर बाद में आपने देखा होगा क्या कुंवरियाँ करने लगी। कुंवरियाँ मतलब ऐसे आप देखा कुंवरे पे मान लो पानी लाने के लिए और फिर बाद में एक लाइन अलग अलग छोटी छोटी लाइन निकाल के वहाँ पे क्या बनाते हैं ऐसे कुंवरियाँ टाइप बनाते हैं, पानी यहाँ से भेज दे में जाता है फिर वापस आ गए यहाँ पे। वैसे अपने देसी भाषा में कहते हैं कुंवरे टाइप की खेती, कुंवरी बनाते मतलब कुंवरे टाइप बनाते छोटे बनाते अपने भाषा में कहते हैं कि यहाँ पे पानी देते हैं और इसको आगे जैसे एक किलो देते हैं फिर बाद में आगे 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 ऐसे ऐसे पानी देते हैं तो पूरे खेत में कुंवरियाँ बनाई जाती थी और पानी ऐसे दे देते क्यों पानी बहुत अधिक मात्रा में था तो पानी बहुत आसानी से सप्लाई कर सकते थे तो आराम से पानी दे पा देते। परंतु उससे पहले जब इतनी तकनीकी थी नहीं तब उनको पानी को डायरेक्ट अलग अलग पानी को निकालना कैसे था, तो निकालने के लिए अलग अलग तकनीक अपनाई जाती थी। तो या तो पशु द्वारा पानी को निकाला जाता या मजदूरों को मतलब लगा देते थे, जैसे मौट है, घन्नी है, सैन है, ढेकली है, रेट है, तो ये सारे प्राचीन ज़माने में पानी निकालने के यंत्र थे। जैसे इनके आपके डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी किताब में दे रखा है, आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से होता है। मौट का डायग्राम मतलब एक प्रकार बड़ा मटका टाइप होता है और घन्नी के माध्यम से ऊपर एक रिंग लग रखी और उसके सारे माध्यम से चक्र को घुमाते और पानी जाता है और सैन भी ऐसे काम करती है। तो ये रड एक बना होता है या एट लिखे तो ये एक सुंदर बना हुआ वो होता है और उसको डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं कुएं में और फिर बाद में गड्ढे में से जैसे वो भर जाता उसमें अगर उसको पानी निकाल डायरेक्ट पानी में फैला देते। तो ये मतलब बड़ी मात्रा में पानी निकालने का प्राचीन जमाने में यंत्र था। परंतु जैसे जैसे भूमि में पानी की कमी आती थी, शॉर्टेज पानी होता गया, तो फिर पानी को पशु एवं मनुष्य द्वारा निकालना पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर जैसे जैसे पानी की कमी हुई वैसे वैसे तकनीकें क्या होती जनरेट होती है, तब पानी को ऊपर खींचने के लिए सामान्य तो पंप काम आए। पंप मतलब अपने सामान्य भाषा में क्या कहते हैं मशीनें काम आई। क्या ही मशीनें, अलग अलग प्रकार की मशीनों के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाता था, जैसे डीजल द्वारा चलने वाली मशीन, बायोगैस पर आधारित मशीन, विद्युत पर आधारित जैसे मोटरें, सौर ऊर्जा पर आधारित मोटरें। तो ये कई प्रकार की ऐसी नई नई प्रकार की मशीनों का निर्माण हुआ, पंपों का निर्माण हुआ, जो आधुनिक समय में सिंचाई करने में काम में भी आते हैं। अब हम देखते हैं कुंवरे विधि या डायरेक्ट पानी फैला के खेत को पानी पिलाना, वो तो पहले ज़माने में काम किया जाता, तो क्या अभी लेटेस्ट में उसी प्रकार से खेती की जाती है? नहीं, अब खेती करने का तरीका भी पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। आधुनिक सिंचाई किस प्रकार से की जाती है इसके लिए भी विशेष प्रकार की दो पद्धतियाँ दे रखी है। इसके अतिरिक्त भी बहुत है मगर आपके सिलेबस में लेटेस्ट दो पद्धतियाँ दे रखी है, इसके आधार पर पानी को खेत में सप्लाई किया जाता है। एक तो छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र सामान्यतः अपन कहते हैं फुहारा विधि। आपने खेतों में देखा होगा फुहारे, एक प्लास्टिक का लंबा से लंबा पाइप होता है और उसके ऊपर लोहे की नोजल लगा देते हैं और वो नोजल घूमती रहती है और चारों तरफ में जितना क्षेत्र कवरेज होता है उस पर वो पानी गिरता रहता है और पौधों को बूंद 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 रूप से पानी क्या होता रहता है मिलता रहता है और छिड़काव करते रहते हैं पानी का, क्या करते हैं नोजल घूमती रहती है और छिड़काव होता रहता है। इस प्रकार से सिस्टम काम करता है। तो आपने देखा भी होगा, जैसे आप सब जानते भी होंगे कि ये पाइप क्या बनता है पाइप, और पाइप के ऊपर यहाँ पे क्लिप लगा के एक क्या नोजल लोहे और इसमें क्या होता है ऐसा वैसा होता है और फिर बाद में जैसे पानी का प्रेशर होता है तो पानी ऊपर पड़ता है फिर बाद में इस तरह घूमता रहता है, पानी ऐसे बूंद 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 चार तरफ अपने तरफ घूमता रहता है, जितने उसका कवरेज एरिया होता है उसमें सभी से पानी सप्लाई हो जाता है। तो एक इसके द्वारा नॉलेज द्वारा और छिड़काव तंत्र का पार्ट। तो
ऐसे पूरे क्षेत्र में 3-4 लाइन बिछा के भी पानी की सप्लाई किया जा सकता है, जितनी पानी की क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग अपने तंत्र भी अपनाते हैं। और अभी मान लो और उसमें सुधार हुआ कि मान लो पानी की कमी है, तो फिर बाद में ड्रिप तंत्र काम आया। ड्रिप तंत्र क्या होता है, जो ड्रिप तंत्र मतलब ड्रॉप 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 डायरेक्ट पौधों की जड़ों में पानी मिलता है, डायरेक्ट मतलब पूरे पूरा आपने एक प्लांट लगा रखा है, और फिर बाद में इसमें जहाँ पे आपने पौधे मान लो यहाँ पे पौधे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से पानी बाहर सप्लाई दिया जा रहा है, और फिर बाद में इससे छोटे छोटे कैसी का रूप में नलियाँ होंगी, और नलियाँ पौधों की जड़ों पर वहाँ पर क्या किया जाते हैं सेल छोटे छोटे, और आगे से आगे क्या की सप्लाई की पानी से भेज दिया जाता है। 20-20 में क्या होता है सिद्ध जहाँ पे भी पौधे उनकी जड़ों पर छोटे छोटे सिद्ध किए जाते हैं, और पूरे खेत में या पूरे जितना आपके पेड़ है उसमें सभी स्थान पर इसको क्या करके फैला देते हैं, और फिर बाद में इसको ऑन कर देते हैं और बूंद 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 पानी गिरता रहता है और फसल को मिलता है, और फसल क्या होती है आसानी से वृद्धि करते रहती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ाया सिंचाई पर आधारित आज का मैटर, सिंचाई और उर्वरक का थोड़ा बहुत टॉपिक रहा था उसको अपन डिस्कस किया। अब इसका पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे कटाई क्या होती है, किस प्रकार से किया जाता है, भंडारण क्या होता है, वो अगले स्टेप में आप देखोगे। तो आज का वीडियो लेक्चर दो टॉपिक पे अपना था उसको अपने क्लोज करने जा रहे हैं। यदि अभी तक गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए, आगे से आगे अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दे रही ताकि डायरेक्ट इंडायरेक्ट सभी को फ़ायदा मिले। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, डाउट या प्रॉब्लम डायरेक्ट अंदर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।